और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के खिलाफ ग्वालियर में अधिवक्ता ने एसपी से शिकायत की है। उन्होंने कानून पर उन्होंने तोमर पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसे लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। दरअसल ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीते दिनों मोती झील इलाके में स्थित बिजली के खंभे पर चढ़कर वहां से चिड़ियों के घोंसले और पेड़ों की झाड़ियां हटाई थी। इसी को लेकर कांग्रेस के एक अधिवक्ता देशराज भार्गव का कहना है कि बिजली के खंभे पर चढ़ने से पहले सक्षम अधिकारी परमिट जारी करता है, तब कहीं जाकर पावर सप्लाई बंद होती है, उसके बाद ही मेंटेनेंस का काम किया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह विद्युत अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। वो मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम की सेक्शन 138 के तहत उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से लाइन पर चढ़ना और लाइन को संयोजित करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे द्वारा कल एसपी महोदय को पुलिस से शिकायत की गई है, ज्ञापन दिया गया है।